हेलो गाइस, तो मैं हूँ चेतन। आज हम चला रहे हैं अपनी TVS जुपिटर को, जो 125 cc में आती है। इसमें आप रेंज माइलेज भी दिखती है कितने इसको रेंज में चला रही है। तो इसको चलाते हैं, आज थोड़ा रिव्यू देता हूँ आपको। वैसे काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, ये वही गाड़ी है जिसका हमने कुछ 8 महीने पहले इसका रिव्यू किया था, जब इसको नया खरीदा गया था। ये अपने दोस्त की गाड़ी है, इसको हम आज चला के इसका रिव्यू देंगे। आगे ऑफ रोड पेज है, आप वहाँ पर इसको दिखाते हैं। ऐसे ऑफ रोडिंग के लिए तो नहीं बनी है गाड़ी, क्योंकि ये नीचे से लग जाती है। देखिए अपना ऑफ रोड बैच। तो गाइस, इसी ट्रैक पे हमने पैशन भी चला, ये एक्टिवा भी चला, ये और अभी इसको भी चला रहा हूँ। देखिए अगर यहाँ पर मैं कंफर्ट की बात करता हूँ तो वो तो डिसेंट है, मतलब अच्छा है। एक्टिवा के कंपेयर में इसका कंफर्ट अच्छा है। एक्टिवा में क्या हो रहा है, अपना जो अपनी जो एक्टिवा है उसमें क्या होता है, कंफर्ट थोड़ा ख़राब है। और जब जो 6GB मतलब जो अपनी 125 है, जो कि इसके मतलब ऑप्शन में, मतलब इसके इसके मतलब क्या है वो आगे बोल लेते हो। हाँ, तो एक्टिवा अपनी 125 है जो इसकी कॉम्पिटिटर है, तो उसमें भी मतलब अच्छा खासा मिलता है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं। लेकिन इसका जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा मुझे इस समय लग रहा है। वो इसमें आगे डिस्क ब्रेक आ रही है, तो ब्रेकिंग तो इसकी अच्छी काफ़ी है। तो जैसे कि हम इसको भगाते हैं तो इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, तो गाड़ी आराम से रुक भी जाती है। और ये देखिए, और इसमें 10 Nm का टॉर्क मिलता है, जो कि मुझे अभी फील भी हो रहा है। ये देखिए कंफर्ट का ऐसा है, अभी इसकी 20 की स्पीड चल रही है, तो उस हिसाब से ठीक है। मतलब बाइक जैसे इसमें कंफर्ट आपको मिल जाता है। इसको अभी चलाते हैं फटाफट, फिर पूछना है मुझे। आज थोड़ा व्लॉगिंग टाइप ही समझ लेना इस वीडियो को। ये देखिए इसका 10 Nm का टॉर्क लगे, इसमें पावर वाला चालू हो जाता है। ऐसा नहीं कि गाड़ी भाग जाए तो रुक नहीं सकती, अगर ये भाग जाए तो रुक भी जाती है आराम से। ये देखिए फुल हम इसको भगा रहे हैं। 10 Nm का टॉर्क और कुछ तो भी 8-9 BHP, शायद 9 BHP का पावर इसमें मिल जाती है, मुझे ठीक से याद नहीं। 120 cc के हिसाब से अच्छा माइलेज भी इसके अपना दे देता है, तो इसी के हिसाब से हमने इसको लिया था। स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, ये देखिए स्टेबिलिटी एक नंबर इसकी, ना कोई वाइब्रेशन, ना कोई हैंडल में कोई कुछ, एकदम बढ़िया है। लॉन्ग रूट पे आपको चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। इसका जो सीटिंग कंफर्ट है, ये देखिए सीटिंग कंफर्ट जो है, पैर रखने का हो गया है, सब एकदम बढ़िया है। सेगमेंट में काफ़ी अच्छा है, मतलब सेगमेंट में। लेकिन टॉर्क के मामले में ना मुझे इसमें एक्टिवा ज़्यादा बढ़िया लगती है, क्योंकि एक्टिवा क्या है, मैं भी एक्टिवा 125 भी फिलहाल चला रहा हूँ, उसका भी रिव्यू मैं डाल दूंगा अगर आप चाहो तो। वो चलाने में कैसा है, स्मूथ है, मतलब उसका क्या है, जैसे हम इतना भी रेस दे देते हैं तो वो गाड़ी उठती है, लेकिन ये रेस खाती है, मतलब ऐसा लगता है कि काफ़ी हाई रेट पे चल रही है, तो इसका एक वैसा प्रॉब्लम है। और हाँ, एक्टिवा 125 में हमें एक चीज़ और फील होती है कि अगर मैंने अपनी कौन सी सुजुकी की TVS तो नहीं चला रखी, सॉरी सुजुकी के एक्सेस 125 जो न्यू वाली आ रही है वो तो नहीं चला रखी, पुराने वाली चला रखी है, लेकिन उसमें अभी जो भी नाचमन का फ़र्क है, तो उसके हिसाब से उसका भी बता नहीं पाऊंगा इसलिए। लेकिन ये गाड़ी बढ़िया है। तो वैसे अब इसको रोक लेते और आपको एक बार वॉक अराउंड दे देते तो इस गाड़ी का। लेकिन इसमें यहाँ पे वो इंजन तेल स्विच देना चाहिए था, वो इसमें दिया नहीं है। तो वैसे अपनी पूरी गाड़ी, तो ये पूरा इसका वॉक अराउंड है। ये देखिए इसका लाइट है, सिर्फ थोड़ा सा टूट गया है, ये लग गई होगी अपने दोस्त से। और हाँ, इसका वहाँ पे स्टैंड का सेंसर भी यहाँ पे निकल गया, जो कि इसमें सेंसर आता है, तो और ये भी इसका टूट गया है। कंडीशन तो वैसे ठीक है, मतलब तो गाड़ी तो अपनी मतलब ये रही। कैसा लगा आपको ये छोटा सा वीडियो, इसका रिव्यू था, ज़्यादा अच्छे से नहीं दे पाया, लेकिन ये था अपना वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट में। बाय एंड टेक केयर। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।